हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू टेक मास्टर। और आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू चेक हेल्थ ऑफ द हार्ट इन विंडो 10। विंडो 10 में अपने हार्ट डिस्क की हेल्थ कैसे चेक करें बिफोर क्रैश। अगर एक बार आपकी हार्ट डिस्क की हेल्थ फुल डाउन हो जाती है तो आपकी हार्ट डिस्क क्रैश हो सकती है और आपका जो भी डाटा है आप खो सकते हैं अगर आपने समय रहते बैकअप नहीं बनाया तो। तो उसके लिए बेसिकली आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है हार्ट डिस्क सेंटिनल। आपको अपने जनरली किसी भी ब्राउज़र को ऑन करना है, ब्राउज़र पर ऑन कर देंगे, आपको सर्च करना है हार्ट डिस्क सेंटिनल। हार्ट डिस्क सेंटिनल सर्च करते ही आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है, जैसे कि ये देख रहे हैं www.hdsentinel.com। आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो भी वर्जन है विंडो 10 एजुकेशन हो, प्रो हो, होम सिंगल लैंग्वेज हो, वो सिलेक्ट करना है। मेरी विंडो 10 प्रो है तो मैं विंडो 10 प्रो के लिए डाउनलोड करूँगा। और यहाँ से ये डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपको ये 32 MB की कंप्रेस्ड फाइल है, इसको डाउनलोड करना है। मेरा ये डाउनलोड हो चुका है। फिर आपको ओपन फोल्डर करना है, उसको बेसिकली इंस्टॉल करना है ये रहा। और इसको फिर आपको कहा भी गया होगा उसको एक्सट्रैक्ट फाइल्स करना है। उसको एक्सट्रैक्ट करते ही आपको उसके सेटअप को इंस्टॉल करना होगा, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जो होगा। और आपको उसका एच डी सेंटिनल प्रो सेटअप, तो आपका इसको सेटअप को ऑन करना है। और बेसिकली जो वायरस जो आपकी जो हेल्थ डाउन होती है वो आपकी हार्ट डिस्क में फिजिकली डैमेज होता है जो कि रिपेयर नहीं होती, बट वीक सेक्टर को आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर एक बार आपकी हार्ड डिस्क की हेल्थ गिरने लग गई तो वो गिरती ही जाएगी, आप उसको रोक नहीं सकते, बस उसको स्लो कर सकते हैं। आप उसको शुरू कर सकते हैं, जैसे कि ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे ऑन करना होगा, फिनिश पर क्लिक करके हम इसे अब इंस्टॉल करेंगे। इसमें मेरे भी कंप्यूटर की बता देगा, परफॉर्मेंस बता देगा और टेम्परेचर बता देगा, सब कुछ बता देगा। क्लिक करने के बाद आप चाहें तो उसको यहाँ से एक्टिवेट भी कर सकते हैं, एंटर जनरेशन की पर क्लिक करके। बट हमें ओनली अपने हार्डिस्क की हेल्थ देखनी है। हमें ये देखिए मेरे हार्डिस्क की परफॉर्मेंस 100% है और इसकी हेल्थ भी 100% है। ठीक है, तो आप और मेरी हार्डिस्क मोर देन 1000 डेटा चलेगी। ये देखिए मेरी हार्डिस्क की स्टेटस भी परफेक्ट है, इसलिए आप भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए टेम्परेचर चूज करेंगे तो आप करंट टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, आज कितना गया, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया आज मेरा हार्ड डिस्क का, और ये पूरी लाइफ पूरी हार्ड डिस्क की लाइफ में कितना मैक्सिमम टेम्परेचर गया। स्मार्ट पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी एरर होंगे, आपको कोई भी बैड फैक्टर फाउंड होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा। और इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करनी है, यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क की इन्फॉर्मेशन है, कि मैंने 3 पार्टीशन में अपने हार्ड डिस्क को बना रखी है, मुझे हार्ड डिस्क डाटा की है, सब कुछ अपने आप मिलेगा। साइज है आपके हार्ड डिस्क का, और डिस्क परफॉर्मेंस पर जाएंगे तो यहाँ पे आपकी डिस्क की परफॉर्मेंस बताएगा क्या। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके आपके सारे पार्टीशन की भी डिटेल देगा कि आपका पार्टीशन जो आपने बनाया है वो उसका साइज क्या है। और ये देखिए और आपके पार्टीशन का स्टाइल क्या है, GTP में मैंने पार्टीशन बना रखा है, सब कुछ दिखा देंगे। और सबका अलग अलग होता है। अगर आपकी हार्ड डिस्क की हेल्थ 100 से एक बार नीचे चले गई तो फिर उसके बाद आप उसको रोक नहीं सकते, भले आप चाहें तो उसको स्लो कर सकते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। बट वीक सेक्टर मैंने जो पहले बताया, वीक सेक्टर को आप रोक सकते हैं, वीक सेक्टर को आप रोक सकते हैं बढ़ने से, बट बैड सेक्टर आपके नहीं रुकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। हम मिलेंगे
Thank you.